को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। जोहार, नमस्कार, मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। विश्वकर्मा पूजा की देश भर में धूम है और आज आप लाइव में जुड़े हुए हैं हटिया रेलवे स्टेशन के बगल से। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची रेल मंडल के अंतर्गत ये स्टेशन आता है और यहाँ पर विभिन्न विभागों के द्वारा अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं, जिसमें से बहुत ही आकर्षक और एक अलग लुक दिख रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी कर रहे हैं भगवान विश्वकर्मा और ये कर दिखाया है विद्युत विभाग के कर्मचारी व पदाधिकारी का। ये हटिया रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। लोग यहाँ पर भगवान के दर्शन तो कर रहे हैं, साथ ही साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। तो आपको भी दिखा रहे हैं कि कैसे भगवान विश्वकर्मा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी कर रहे हैं। आप जुड़े रहे मेरे साथ और मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, आजादी का 75वां अमृत महोत्सव है ये, और इसके आगे से मैं लेके चल रहा हूँ और आप देखिए कि किस तरह की एक चहल पहल है। रात के 10 बजने जा रहे हैं लेकिन आपको ये दिखा रहे हैं। ये देखिए भारतीय रेल, इंडियन रेलवे, और इस तरह से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है कि इसकी स्वरूप बनाई गई है और उसी में भगवान विश्वकर्मा जो है कि सवारी कर रहे हैं। एक पंडाल का स्वरूप दिया गया है और बात करेंगे, कोशिश करते हैं इनसे। जी सबसे पहले तो अपना नाम बताएंगे, थोड़ा जोर से बोलेंगे। राजेश कुमार रजक। तो राजेश जी ये बताइए कि कैसे सोच में आई कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में भगवान विश्वकर्मा की सवारी हो? सर, हम लोग रेलवे परिवार से जुड़े हुए हैं और विद्युत विभाग से हैं और भारतीय रेल हमारे लिए लाइफलाइन है, हमारे देश की लाइफलाइन कह जाए, और मेक इन इंडिया के तहत पूरे देश में वंदे भारत की अभी क्रेज है। जो नई ट्रेनें चलाई गई है भारतीय रेलवे द्वारा, जो अपग्रेड की गई है, तो हमारे अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी साहब और पूजा समिति के मेंबर के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि इस बार क्यों ना कुछ अलग किया जाए, लोगों को क्यों ना आकर्षित किया जाए, कुछ अलग थीम बनाया जाए, और उसी के तर्ज पर हम लोगों ने वंदे भारत एक्सप्रेस। आपने तो वंदे भारत में भगवान विश्वकर्मा को बिना टिकट सवारी करवा रही है। जी, चूँकि बाबा है और उन्हीं के आशीर्वाद से पूरा भारतीय रेल हमारी जो एकजुटता की पहचान है, जिसको बोलते हैं अनेकता में एकता, पे जो विश्वास रखते हैं हम, इसकी अखंडता को कायम रखने में भारतीय रेल कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभा रही है और उसमें हमारे बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो लोग जो है, श्रद्धालु जो आ रहे हैं यहाँ पर, वो तो विश्वकर्मा भगवान के दर्शन तो कर ही रहे हैं लेकिन सेल्फी भी खिंचवा रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं काफी लोग सेल्फी ले रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और लोग काफी आकर्षित हो रहे हैं कि इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है विद्युत विभाग द्वारा, और इससे हम लोगों को भी काफी मोटिवेशन मिलता है कि अगले साल कुछ और बढ़ चढ़ कर आगे कुछ और करने का प्रयास करेंगे, कुछ नया करने का। तो हर वर्ष इस तरह से एक नई थीम होती है। जी, हम लोगों की हर वर्ष कुछ नई थीम। बहुत बहुत शुक्रिया, और ये आपकी पूरी टीम है। तो ये देखिए कि विद्युत विभाग की ये पूरी टीम है, कितने उत्साह है, कितना उमंग है, और एक तैयारी होती है, एक जज्बा होता है, चूंकि इस डिपार्टमेंट में, इस विभाग में काम करते हैं विद्युत विभाग में, तो ये भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद भी लेते हैं। और देखिए कि किस तरह से एक सोच को जमी पे उतारा है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में भगवान विश्वकर्मा सवारी कर रहे हैं। हम अंदर भी चलेंगे, भगवान विश्वकर्मा को भी दिखाएंगे, दर्शन भी करेंगे, लेकिन ये देखिए कि कितना उत्साह से लवरेज है, एक युवा टीम है पूरा विद्युत विभाग की, और देखिए कि सभी के चेहरे पे खुशी है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, जिन्होंने मेहनत करके इस पंडाल का निर्माण किया और इसका स्वरूप दिया वंदे भारत एक्सप्रेस, आज जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, इसकी सेल्फी ले रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, और एक यादगार पल 17 सितंबर विश्वकर्मा भगवान की ये जो पूजा होती है, उस पल को अपने कैमरे में कैद करके लेके जा रहे हैं। मैडम अपना नाम बताइए। क्या मतलब, कैसा लग रहा है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में भगवान विश्वकर्मा सवार हैं और आप सेल्फी भी ले रही हैं, क्या लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। ये ट्रेन का सुविधा भी बहुत अच्छा दे रही है, कुछ नई चीजें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल। तो हम अंदर चलते हैं और ये दिखाते हैं कि कैसे भगवान विश्वकर्मा जो हैं ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी कर रहे हैं। उससे पहले G20 भारत 2023 वसुदेव कुटुंबकम, ये बहुत ही आकर्षक साज सज्जा। और ये देखिए भगवान विश्वकर्मा यहाँ पर विराजमान। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सवारी हो रही है और इसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में भगवान विश्वकर्मा सवार हैं। यहाँ पर इनकी प्रतिमा लगाई गई है, पूजा अर्चना की गई है विधिवत। और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पे भगवान विश्वकर्मा सवार। और अंदर की जो कलाकृतियाँ हैं, जो आकृतियाँ हैं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाई गई है। एक सोच को दिखाया गया है, दर्शाया गया है। भारत एक्सप्रेस ट्रेन
की गई है। ये देखिए कि कुछ इस तरह से विद्युत साज सज्जा की गई है जो बहुत ही आकर्षक है। ईस्टर्न रेलवे रांची रेल मंडल के अंतर्गत विश्वकर्मा पूजा समिति हटिया लोकू के द्वारा इस पंडाल का निर्माण किया गया है। बहुत ही आकर्षक, बहुत ही खूबसूरत। हटिया लोकू के द्वारा बहुत ही आकर्षक। साज सज्जा की गई है, साज सज्जा की गई है, विद्युत सज्जा, पंडाल का निर्माण, भगवान विश्वकर्मा की वो पूजा अर्चना की गई है। आज सभी लोगों ने भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद मांगा, उनका भोग खाया, तस्वीरें खींचवाई। और यही भक्त जन जो श्रद्धालु हैं, देखिए किस तरह से भोग खाने के बाद किस तरह से पंडाल के सामने ही गंदगी को फैलाए हैं, ये कैसी आस्था है, ये कैसा भगवान के प्रति श्रद्धा है।